प्रदेश भर सहित दुर्ग में सांसदों के निलंबन की कार्रवाई को तानाशाह करार देते हुए लोकतंत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। देश की संसद में बीते दिनों संसद भवन में चल रही कार्रवाई के बीच दो युवकों द्वारा घुसकर धुआं उड़ाए जाने से भयभीत सांसदों ने सदन में इसमें शामिल संसद की गतिविधियों पर जवाबी कार्रवाई चाही, जिस पर जवाब न देकर उल्टा सवाल पूछने वाले सांसदों को सदन से निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखाए जाने से नाराज सांसदों ने बाहर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में देश ही नहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में इस लोकतंत्र पर हुए हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में दुर्ग के हिंदी भवन के सामने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा निलंबित किए गए 142 सांसद और लोकतंत्र पर हुए हमले पर अपना आक्रोश जताते सत्ता में बैठी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस संबंध में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, हिटलर शाही रवैया अपनाई जा रही है। अभी 142 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। ये देश के इतिहास में एक काला दिन के रूप में जाना जाएगा और ये एक पक्षी कार्रवाई है। पहले दूसरे दलों को लोगों को लोक लुभावने देकर अपनी ओर इन लोग बुलाते थे, किसी को पैसे का लालच देकर, किसी को पद का लालच देकर, फिर बाद में लोग समझते गए इनको ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई का धमकी देकर ज़बरदस्ती उनके घरों में जांच कर उनको दबाव डालकर अपने पार्टी में सम्मिलित करने का उनको काम करते आए हैं। अब उसको भी लोग समझने लग गए बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और अब लोग उनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। तो वो जो डट कर मुकाबला करने वाले लोग हैं उनको अब सांसद से भी निलंबित किया जा रहा है और उनका भय दिखाया जा रहा है कि आप हमारे खिलाफ़ बोलोगे तो आप यहाँ जीत कर आए हो तो आप संसद में ही नहीं बैठोगे तो आपका ये संसद क्या काम है। ये वो लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। ये देश में हिटलर शाही राज, राजा रजवाड़ों का राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक नहीं हिटलर शाही व्यवस्था चले, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसका विरोध कर रही है। रही बात जातिगत जाट और धनकर की जाति की बात है, तो पहले भी किसान लोग आंदोलन करते थे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, अपने समर्थन मूल्य को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर। उस समय धनखड़ जी कहाँ थे, उस समय भाजपा के लोग कहाँ थे। पहले हमारी महिला बहनों के साथ ब्रजभूषण जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, पहलवानों के साथ, वो भी जाट बहने थे, तब उनके साथ अत्याचार हुआ, तब कहाँ थे धनखड़ जी। जब हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण 16 से घटाकर 12% किया गया, तब कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जातिगत बात ना करें, बल्कि देश को सभी जाति सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली बात होनी चाहिए। इस भारतीय जनता पार्टी के इस क्रूरतापूर्ण निर्णय का विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है कि लोकसभा में जो संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त है संसदों को, उसका अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जब उनने विपक्ष ने अपना प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा तो जवाब न दे करके, और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है और जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो सदन के अंतर्गत में अध्यक्षों के माध्यम से इनको निलंबित किया गया है, तो आज ये प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि देश में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को परिवर्तित करने के लिए पूरा इन्होंने शुरुआत की है। जो तो तीन कानून
जिन्होंने अभी विधेयक पारित किया है वो उसका प्रमाण है कि विपक्ष की भी विपक्ष नहीं रहेगी तो हम अपनी मनमानी से अपने कानूनों को पास कर लेंगे। उसी तारतम्य में उन्होंने अपने सांसदों का निष्कासन किया है, विपक्ष के सांसदों को, और मोदी और शाह विपक्ष विहीन सदन चाहते हैं ऐसा प्रतीत होता है, जिसके विरोध में हम एक दूसरी धरना देने यहाँ उपस्थित हुए हैं और कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी, रोड में, सड़क में, जहाँ भी होगा सब जगह विरोध करेगी और जिस हिसाब से संविधान का परिवर्तन की शुरुआत इन्होंने की है तो ऐसा लगता है कि बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को बदलने का ये काम चालू कर रहे हैं, जिसका हमें पूरा विरोध करना है। और हमारे सांसदों को जो निलंबन किया गया वो भी ये चाह रहे हैं कि सदन में विपक्ष हो ही ना, इस कारण से वो निलंबित किया गया है, जिसका हम एक दूसरे धरने के रूप में प्रसिद्ध के रूप में विरोध कर रहे हैं। मोदी जी के राज में, भारतवर्ष में लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। सांसद सदन में प्रश्न नहीं पूछेंगे और वो भी जब संसद की सुरक्षा का जब सेंध लगा हो और सारे के सारे वहाँ पे सांसद असुरक्षित हो गए हों, और ये असुरक्षा क्यों हुआ मोदी जी, इस प्रश्न को जब सांसद उठा रहे हैं तो उनको निलंबित किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी जितनी भी गारंटी दिए हैं आज तक इस देशवासियों को 10-11 साल में, सारी की सारी गारंटी फेल हुआ है और अभी वो सिर्फ अपना तानाशाही रवैया अपना करके सारी प्रजातांत्रिक जो सिद्धांत है उसको बलाए ताक रख करके कार्य कर रहे हैं। इस देश में अराजकता फैल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि उनने कहा था कि इस देश में एक कोई विदेशी ताकत नहीं आ पाएंगे, कोई आतंकवादी नहीं होगा, कोई नक्सलाइट नहीं होगा, मगर रोज रोज मोदी जी के राज में ये सब देखने को मिल रहा है। तो सारी की सारी उनकी जो गारंटी है वो फेल हो रहा है और अपने तानाशाही रवैये के चलते ही वो सारे सांसदों को, जिनका कि उन्हें अधिकार है, संसद में बोलने का अधिकार है, देश की जनता को जानने का अधिकार है कि इस प्रकार से जो चूक हुई है किस प्रकार से चूक हुई और उसके लिए क्या व्यवस्था किया जा रहा है, ये सांसद जानना चाह रहे थे और इसके ऊपर व्यवस्था चाह रहे थे, इसलिए उनको जो निलंबित किया गया है वो निंदनीय है। और इसी के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और जितने भी अलायंस हैं सब आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रजातंत्र को बचाने के लिए। किरण एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।